खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर सदर अस्पताल कर्मियों ने अस्पताल सेवाएं बाधित कर घंटों तक सड़क पर जाम प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर में सिविल सर्जन और कर्मियों की पिटाई के बाद सदर अस्पताल कर्मियों ने सड़क जाम कर दिया, साथ ही आगजनी कर सदर अस्पताल में सेवा पूरी तरह ठप कर दिया। कई मरीजों को सदर अस्पताल के मुख्य द्वार से ही वापस कर दिया गया। बुधवार को जिले के ओराई में सिविल सर्जन की पिटाई व कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार के विरोध में सदर अस्पताल कर्मियों ने सड़क जाम कर दिया था, साथ ही साथ सड़क पर आगजनी कर जमकर नारेबाजी भी की। हम आपको बता दें कि घंटों आवागमन पूरी तरह बाधित रहा, कई एम्बुलेंस व मरीजों को जो भी वापस कर दिया गया, सदर अस्पताल में सेवा भी पूरी तरह ठप कर दी गई। कर्मियों के द्वारा कई राहगीरों के साथ बदतमीजी भी किया गया। कर्मियों का कहना है कि अखिलेश यादव व उनके गुर्जों की अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। सिटी एएसपी नीरज कुमार सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। पूरे मामले पर सिटी एमपी नीरज कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, उसके उपरांत विधि समक्ष कार्रवाई की जाएगी, किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। की सिविल सर्जन के साथ बदतमीजी से पेश आके और उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा अखिलेश यादव और उसके गुड़गे लोग, गुंडे लोग, और हमारे महिला कर्मचारियों के साथ बेइज्जतियां किया गया, साड़ी खींचा गया, उसको पीटा गया, जेंट्स कर्मचारी को पीटा गया और पैसा भी मांगता है वहाँ, और वहाँ बहुत मैंने अनियंत्रित मैंने कहा कमा रहे हो तो कुछ दो हमको, आज विरोध कर रहे हैं क्या? विरोध इसलिए कि हमारे कर्मचारी पिटा गए हैं और हमारे सीएस को दौड़ा दौड़ा कर मारा है, आप वायरल हुआ है वो आप देखवे किए हैं। क्या मांगे आपको? वही जो कि उस अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया जाए, उसके गुर्गे को गिरफ्तार किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ओआरएस का पैकेट पहले का कहीं ना उठा लिया है क्या? हाँ नहीं, प्रशासन आएगा, उससे बात होगी, फिर हम लोग तो सेवा के लिए आइए हैं, सेवा करेंगे, लेकिन जब अत्याचार हो रहा है, हमारे महिला कर्मियों को पीटा जा रहा है, हमारे सिविल सर्जन जिला के मालिक ही पीटा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बाध्य होकर हम लोग को सड़क जाम करना पड़ा है। मैं राजीव कुमार मिश्रा, अध्यक्ष सदर अस्पताल।